देखने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट edutv.hec.gov.pk पर। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @edutv_hec। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रीवैम्पिंग ऑफ एचईसी डिग्री अटेस्टेशन सिस्टम के बारे में। ये नया इंटरफेस 18 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव अटेस्टेशन के प्रोसेस को स्टूडेंट्स के लिए आसान बनाना था। पहले अटेस्टेशन के लिए एक स्टूडेंट को एचईसी की वेबसाइट पर एक कॉमन प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ती थी, जिसमें उसको अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेशन, फादर्स एड्रेस, दीगर डिटेल्स के साथ साथ और भी काफी चीजें एंटर करना पड़ती थी, जो इस प्रोसेस को थोड़ा लंबा और मुश्किल बनाते थे। अब ये न्यू इंटरफेस के साथ ये प्रोसेस बहुत आसान हो गया है। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे आज के गेस्ट से। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर एक्रेडिटेशन एंड अटेस्टेशन एचईसी मिस्टर हदायतुल्ला खान, और उनके साथ हैं डिप्टी डायरेक्टर एक्रेडिटेशन एंड अटेस्टेशन एचईसी मिस्टर मोहम्मद फैसल इदरीस। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू सर। शुरू करते हैं डायरेक्टर साहब से। सर, आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि हम किस तरह से इवॉल्व करके इस न्यू इंटरफेस तक पहुंचे हैं। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया हमारे जो अटेस्टेशन सिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं, और वो ये है कि 2009 मार्च फरवरी 2009 से पहले जो अटेस्टेशन थी एचईसी की, वो मैनुअल होती थी। जिस तरह अक्सर सरकारी महकमों में रजिस्टर्स में एंट्रीज होती थी, तो मोर और लेस उसी तरह का सिलसिला चल रहा था। और मार्च 2009 से एचईसी ने उस वक्त के टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया, जिसमें आप अप्लाई तो ऑनलाइन कर सकते थे, लेकिन जो रिजर्वेशन है या जो अपॉइंटमेंट है विजिट के लिए, उसके लिए आप फिजिकली आना पड़ता था। और उसमें मसला ये था कि सुबह सुबह लाइनें लग जाती थी, बहुत सारे एप्लीकेंट्स आते थे, और एक फिक्स्ड एक टोकन्स होते थे, वो अगर ख़त्म हो जाए तो आपकी बारी नहीं आई, आप वापस जाएँ और फिर कल परसों जब भी। तो 2009 से लेके मिड 2017 तक ये प्रोसेस चलता रहा। मिड 2017 में फिर हमने नई टेक्नोलॉजी के साथ एक और एप्लीकेशन लॉन्च करवाई, और उसमें यह था कि उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई भी, और एप्लीकेशन के साथ साथ आप घर बैठे अपने लिए जिस दिन जो दिन आपके लिए सूटेबल है, जो टाइम आपके लिए सूटेबल है, और साथ ही साथ जो अवेलेबिलिटी है उस पर भी डिपेंड करता था, उसी के हिसाब से आप आते थे और आपकी जो डिग्रीज है वो टेस्ट हो जाती थी। तो ये तकरीबन मिड 2017 से लेके और अभी दिसंबर 2020 तक, तकरीबन जो 3.5 साल का टाइम है, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, फीडबैक मिला, और उसी की वजह से हम फिर एक रिवैम्प्ड वर्जन, एक रिफाइन करा के वो ले आए। अच्छा, उसका जिस तरह आपने भी जिक्र किया अभी शुरू इंट्रो में, कि इसमें हमने क्या किया है कि एक तो यूज़र फ्रेंडली बना दिया, ताकि जो यूज़र्स हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनको ज़्यादा मुश्किलात ना हो, वो आसानी से आगे बढ़ सके। और दूसरी बात यह कि उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि पहली वाली इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती थी, उसमें हम उसको एक बोलते हैं कॉमन प्रोफाइल, तो कॉमन प्रोफाइल फिल कराते थे एप्लीकेंट से, और उसमें फिर फायदा ये होता था कि यानी एचईसी की जितनी सर्विसेज हैं, क्योंकि एचईसी सिर्फ अटेस्टेशन नहीं, उसके अलावा भी ग्रांट्स हैं, रिसर्च से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, इसी तरह स्कॉलरशिप्स हैं, अप्रूव्ड सुपरवाइजर, तो उन सब के लिए वो अप्लाई कर सकते थे। इसी वजह से उसमें बहुत सारा डेटा लेना पड़ता था। अब ये कि इसको काफ़ी सिंप्लीफाई करके अब चंद ही फील्ड्स हैं जो उनसे हम फिल कराते हैं और आसानी से वो अप्लाई कर सकते हैं अटेस्टेशन के लिए। तो ये है रिवैम्प्ड वर्जन। शुक्रिया सर। अब हम बढ़ते हैं सवालात की तरफ। ये वो कॉमन क्वेरीज हैं जो स्टूडेंट्स को अक्सर पेश आती हैं और उनसे रिलेटेड वो जानना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि अगर किसी ने करियर मोड चूज किया है अटेस्टेशन के लिए, तो क्या उसको किसी करियर कंपनी के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को एचईसी तक भेजना होगा? जी बिल्कुल, अगर कुरियर मोड उन्होंने चूज़ किया है तो उसके लिए अभी जो इस वक्त हमारी डेजिग्नेटेड कंपनी है कुरियर की, वो है TCS। तो उनके किसी भी आउटलेट पे जाके उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और फीस उधरी सबमिट करनी है, और बाकी प्रोसेस फिर TCS का होता है, वो हमारे तक पहुंचाते हैं और वापस लेके जाते हैं फिर। ठीक है। और अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स उसने भेज दिए कुरियर के थ्रू, लेकिन जब उसको वापस मिले हैं तो अटेस्टेड नहीं है, तो उस केस में वो फी को वापस लेने के लिए, रिफंड के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है, वो क्या प्रोसेस होगा? अच्छा, इसमें यह है कि अगर किसी वजह से डिग्री या जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्ट ना हो सके,
कोई डेफिशिएंसी है या कोई और मसला है तो वो जाहिर है कि वापस हो जाते हैं। उस केस में जो एप्लीकेंट है वो TCS को ही अप्रोच करेगा, उनकी जो कॉल सेंटर है या हेल्पलाइन है उस पर, या फिर फिजिकली उनके किसी आउटलेट पे जाके उनको अप्रोच कर सकता है अपने रिफंड के लिए। तो फीस TCS ने ही उनको रिफंड करनी है। ठीक है सर। अब अगर एक स्टूडेंट जिसके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी है और इसके साथ साथ फॉरेन नेशनैलिटी भी है, तो वो किस डॉक्यूमेंट के थ्रू अपनी अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करेगा, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के थ्रू या अपने पासपोर्ट के थ्रू? इसमें दोनों चीज़ों पे कर सकते हैं। अगर वो पासपोर्ट पे करना चाहता है वो भी एक्सेप्टेबल है, अगर वो जो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है उस पर करना चाहता है वो भी एक्सेप्टेबल है। ये सिर्फ एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि अगर वो पासपोर्ट के थ्रू अप्लाई करना चाहता है तो उसने फिर वही मुल्क सेलेक्ट करना है, फिर पाकिस्तान सेलेक्ट नहीं करना, वही मुल्क जहाँ पे, यानी जिस मुल्क का पासपोर्ट है उनके पास, उसके थ्रू आना है। चाहे उनकी डिग्री बेशक पाकिस्तान की है, सॉरी, पूरा प्रोसेस अगर वो एज अ पाकिस्तानी कैंडिडेट, पाकिस्तानी स्टूडेंट, उसने डिग्री हासिल की है लेकिन वो अटेस्टेशन के वक्त पासपोर्ट के थ्रू कर रहा है, तो उसको अपनी नेशनैलिटी वहां की मेंशन करनी है। अगर अगर पासपोर्ट के थ्रू, यानी जिस तरह फर्ज करे अगर किसी एप्लीकेंट के पास जर्मन नेशनैलिटी है और उसके पास जर्मन पासपोर्ट है और वो कहते हैं कि मैंने POC के थ्रू नहीं करना, पासपोर्ट के थ्रू करना है, तो उन्होंने वहां पे जर्मनी ही सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान सेलेक्ट फिर नहीं करना, क्योंकि वो पासपोर्ट के थ्रू करना चाह रहा है जो जर्मनी ने इशू किया है उसको। ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर किसी एक स्टूडेंट का अपने फादर का CNIC पर स्पेलिंग्स या नाम डिफरेंट है और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे डिफरेंट है, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या होगा? उसका ये है कि वेरिएशंस आ सकती हैं नाम में, जो हम प्रैक्टिकली उसको फेस करते हैं। उसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें तो एक्सेप्टेबल हैं अगर वो उसके इन एडिशन है या वो उसके पास उसके साथ नहीं है। जिस तरह अगर कोई ऑनरिफिक टाइटल है, किसी ने हाजी लगाया है, हाफिज लगाया है या इस तरह का है, या कोई कास्ट है जिस तरह वो उन्होंने लगाया है, खान लगाया हुआ है, अवान है, अफरीदी है, इस तरह कुछ, या फिर मोहम्मद का लफ्ज़ वो लगा है या नहीं लगा, ये एप्लीकेंट के नाम के साथ या उनके फादर के नेम के साथ, तो ये चीज़ें तो एक्सेप्टेबल हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी बंदे के अपने नाम में या फादर के नेम में जो थर्ड पार्ट नाम का तीसरा हिस्सा या उससे आनवर्ड्स, बाज़ोकत ये होते हैं ना, चार हिस्से होते हैं, चार लफ्ज़ होते हैं, तो पहले दो लफ्ज़ जो है वो तो एक जैसे होने चाहिए अपने नाम के या फादर के नेम के। अगर तीसरा पार्ट है और या चौथा पार्ट है और उसमें कोई वेरिएशन है, तो उस केस में एक डिग्री इंफॉर्मेशन सप्लीमेंट फॉर्म होता है, DSIF बोलते हैं उसको, वो उसने जो आखिरी यूनिवर्सिटी जिससे उसने डिग्री ली है वहां से फिल करवाना है और अटेस्टेशन के प्रोसेस के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ उसने सबमिट करना है HEC को, तो उसके बेस पे वो जो वेरिएशन है वो फिर एक्सेप्टेबल बन जाती है। स्पेलिंग वेरिएशन के लिए भी यही प्रोसेस होगा? स्पेलिंग में डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें तो एक्सेप्टेबल हैं। अगर फर्ज करें जिस तरह कहीं पे आई लगना चाहिए लेकिन ई लगा हुआ है, जिस तरह आपको पता है ना पाकिस्तानी जो नेम्स हैं वो कुछ जिस तरह, लेकिन अगर वो नाम है ही डिफरेंट, उर्दू से ज़्यादा पता चल जाता है ना, जिस तरह नाम है वाहिद भी है, वहीद भी है, अब वो आई के साथ भी लिख सकते हैं, ई के साथ भी लिख सकते हैं, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है, तो वो देखना पड़ता है उस वक्त केस के हिसाब से। ठीक है सर। सर अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्म फिल करते हुए अपने इंस्टीट्यूशन का नाम उसमें नहीं मिल रहा, तो उस केस में उसे क्या करना चाहिए? अगर इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं मिल रहा है, या इवन इंस्टीट्यूशन के साथ साथ ये भी मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ कि उनका डिपार्टमेंट विजिबल नहीं है उसमें जो फॉर्म है, या उसका जो प्रोग्राम है वो नज़र नहीं आ रहा, तो उस केस में वो अपनी यूनिवर्सिटी से ही रابطہ करेगा और वहाँ पे एक पाकिस्तान क्वालिफिकेशन रजिस्टर का फोकल पर्सन होता है हर यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसकी लिस्ट जो है HEC की वेबसाइट में मौजूद है, तो उसी बंदे से ही वो जो एप्लीकेंट है वो राबता करेगा अपनी इसके लिए मसले के लिए। ठीक है। अब स्टेप्स में अगर एक स्टूडेंट ने अब कोरियर के थ्रू अपनी डिग्री सबमिट करा दी है, नेक्स्ट स्टेप उससे क्या करना होगा? आप बता दें मैडम, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है और
हम काफ़ी हालांकि हम एप्लीकेंट्स को जब प्रोसेस के दौरान एसएमएस और ईमेल्स के थ्रू उसको डिटेल बताते रहते हैं कि नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या करना है, लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा है, हमारे एक्सपीरियंस में आया है कि स्टूडेंट्स जो है वो ऑफनली ईमेल्स को रीड नहीं करते। तो मैडम इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जब एप्लीकेंट अपना सबमिट करवा देता है कोरियर में डॉक्यूमेंट्स को, तो उसको एक कोरियर रिसीट जो है वो कोरियर कंपनी उसको एक कोरियर रिसीट देती है, वो कोरियर रिसीट उन्होंने सिस्टम में अपलोड करनी होती है, और ये ज़रूरी प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब तक वो कोरियर रिसीट अपलोड नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन जो है हमारे पास विजिबल नहीं होती ऑनलाइन, क्योंकि वो टास्क चूँकि एप्लीकेंट के एंड पे होता है, एप्लीकेंट उस टास्क को परफॉर्म करेगा तो फिर एप्लीकेशन हमारे पास आती है, फिर हम उसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो कोरियर पर डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जो एप्लीकेंट के एंड पे काम है कि उन्होंने वो रिसीट दोबारा अपने ई सर्विसेज पे आना है अपने लॉगिन पासवर्ड के साथ, और वहाँ पर एक टास्क असाइन टू मी एक सेक्शन होगा, वहाँ पर जाकर उन्होंने वो कोरियर रिसीट वहाँ पर अपलोड करनी है और उसका कोरियर नंबर और डेट जो है वो लिखनी है। ठीक है सर। सर अगर कोई स्टूडेंट अपना फॉरेन इक्विवेलेंस लेटर जो एटीसी उसको इशू करता है उसको अटेस्ट करवाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? मैडम उसके लिए भी यही प्रोसेस है, उनको डिग्री अटेस्टेशन की वेबसाइट पर ही जो हमारा ई सर्विसेज को वेब लिंक है उसी पर उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा, और इसी तरह जब वो कंट्री जिस कंट्री से उन्होंने वो डिग्री की है वही कंट्री सेलेक्ट करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी का, वहाँ से सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, और जैसे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज की डिग्री के लिए अप्लाई किया जाता है वही प्रोसेस वो फॉलो करते हुए वो अप्लाई करेंगे, और एंड में जब उनसे पूछा जाएगा कि उनका डॉक्यूमेंट्स कौन सा है तो वहाँ पर वो इक्विवेलेंस लेटर को सेलेक्ट कर वो हमें सबमिट करेंगे। सर जो स्टूडेंट्स किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं वो डिग्री अटेस्टेशन के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे? मैडम जो अब्रॉड के लिए हमारे हमने कुरियर सर्विस के थ्रू ही हम उसको करते हैं, जो अब्रॉड में हमारे स्टूडेंट्स रह रहे हैं या जो हमारे ड्यूल नेशनल हैं या कोई भी ऐसा जिन्होंने पाकिस्तान से डिग्री की है और वो प्रेजेंटली जो है अब्रॉड में सेटल्ड हैं, उनके लिए कोरियर सर्विस है और उनको कोरियर के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। डिटेल प्रोसीजर जो है इसका हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, और उन्हें वहाँ से अप्लाई पहले तो इसी तरह ऑनलाइन जैसे डिग्री अटेस्टेशन के लिए अप्लाई होता है वेब लिंक पर जाकर उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो पहले एप्लीकेशन हमारे पास आती है, हम उसको प्रोविजनली स्क्रूटनाइज करते हैं, फिर एप्लीकेंट ने कोरियर मोड सेलेक्ट करके तो एप्लीकेशन हमें भेजनी होती है। उसके लिए ये है कि जो फॉरेन के एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए हमारा जो एग्जिस्टिंग हम जेरी फेडिक्स को यूज़ कर रहे हैं, और फॉरेन जो अब्रॉड में रह रहे हैं उन्हें कोई भी वो कोरियर सर्विस अपने मुल्क की यूज़ करते हुए एक डेजिग्नेटेड ऑफिस है जेरी फेडिक्स का इस्लामाबाद में, वहाँ पर उन्हें कंप्लीट केस अलॉन्ग विद फीस अलॉन्ग विद अटेस्टेशन फीस कोरियर चार्जेस वेबसाइट पे मेंशन है उसके तहत वो कंप्लीट कर कोरियर चार्जेस और अटेस्टेशन फीस का ड्राफ्ट बनाकर वो केस जेरी फेडिक्स के इस्लामाबाद ऑफिस को भेजना पड़ता है, फिर जेरी फेडिक्स वो प्रोसेस को अटेस्टेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है और फिर वो रिटर्न करता है उसके एप्लीकेंट के एड्रेस पे फॉरेन कंट्री में। ये फिर जेरी फेडिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमसे केसेस को अटेस्ट करवाएं और फिर एप्लीकेंट को रिटर्न बैक करें। ठीक है सर। अगर कोई स्टूडेंट अपनी बीए की डिग्री को अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो क्या इसके लिए कंपलसरी है कि वो अपनी एफए की या इंटरमीडिएट एंड मैट्रिकुलेशन दोनों की डिग्रीज को अटेस्ट करवाए या उसको डिस्प्ले करे? नहीं मैडम ये जरूरी नहीं है, जो डिग्री उन्होंने टेस्ट करवानी है सिर्फ वही डिग्री ही और उसी की इंफॉर्मेशन उसकी डिग्री और उसका जो रिजल्ट कार्ड या ट्रांसक्रिप्ट होता है वही हमें रिक्वायर्ड होता है। मैट्रिक इंटर या प्रीवियस क्वालिफिकेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन ना डिस्प्ले करने की ज़रूरत है ना इंटर करने की ज़रूरत है ना ही वो अपने केस के साथ हमें भेजने की ज़रूरत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन जो आमतौर पर पूछा जाता है, अगर कोई स्टूडेंट एक डिग्री में इनरोल्ड है और वो उसकी कंप्लीट नहीं हुई तो क्या वो अपनी अनकम्प्लीटेड इनकम्प्लीट स्टडीज के लिए टेस्ट करवा सकता है अपना ट्रांसक्रिप्ट? जी बिल्कुल वो करवा सकता है, और ये केसेस इस तरह की जो रिक्वायरमेंट होती है उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो अगर फॉरेन में अपने कोर्सेज को शिफ्ट करवा रहे हैं या उनका एडमिशन हो गया या वो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ती है कि वो इनकम्प्लीट अपनी जो स्टडीज़ हैं उसको वो हमसे टेस्ट करवाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन है, वहाँ पर सिस्टम में ऑप्शन मौजूद है, उनसे पूछा जाता है कि आपकी ये स्टडी इनकम्प्लीट है, उनको वो इनकम्प्लीट स्टडीज़ का चेक करना जो कॉलम है रेलिवेंट उसको टैब को चेक करके वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है
कि वो चूंकि इनकम्प्लीट होती है तो इनकम्प्लीट स्टेटस जो है वो वहां पे मेंशन होना चाहिए, उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वहां पर यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री इन प्रोसेस या ट्रांसक्रिप्ट नॉट इनकम्प्लीट, इस तरह का कोई ना कोई वहां पर स्टेटस जो है वो मेंशन होना चाहिए उस पे, उस ट्रांसक्रिप्ट पे। ठीक है सर, क्या एचईसी फॉरेन डिग्रीज को अटेस्ट करता है? सर एचईसी फॉरेन डिग्रीज को अटेस्ट करता है? बता देता हूँ। अच्छा, एचईसी जो है वो फॉरेन डिग्रीज को अटेस्ट नहीं करता, एचईसी उसको इक्वेट करता है, और इक्वेलेंस यानी जो भी आपकी डिग्री है फॉरेन की किसी भी यूनिवर्सिटी से ली हुई चार्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एचईसी उसको पाकिस्तान में उसी लेवल के हिसाब से इक्वेट कर देता है, यानी उसको इक्वेलेंस इशू कर देता है, और उस इक्वेलेंस को जो एचईसी इशू करता है वो अटेस्ट हो सकता है, लेकिन जो फॉरेन की डिग्री है वो अटेस्ट नहीं होती। ठीक है सर, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अगर कोई स्टूडेंट अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करे तो वो उसका फॉर्मेट, उसका तरीका कार क्या है? उसमें ये कि अल्फा न्यूमेरिक वो एंटर कर सकते हैं, यानी अगर कोई एक दो अल्फ़ाबेट लगे हुए हैं और साथ में फिर वो जो नंबर्स हैं तो वो पूरा नंबर उसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी डिग्री से रिलेटेड एजुकेशनल डिटेल्स गलत एंटर कर दी हैं पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान, तो अटेस्टेशन से पहले वो उसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकता है? अगर उसने अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया, यानी अभी उसके एंड पे ही है, तो फिर तो उसमें कर सकते हैं वो अपनी जो जो इंफॉर्मेशन है उसको वो एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर सबमिट कर दिया तो फिर उसको कैंसिल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन अपनी कैंसिल करनी पड़ेगी और उसके बाद दोबारा नई एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है सर। सर हमें सोशल मीडिया से कुछ क्वेरीज आई हैं स्टूडेंट्स की, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर हैदर शीमा ने हमसे क्वेश्चन किया है कि एचईसी किस तरह से डिग्री अटेस्टेशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेरीज को या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, रिजॉल्व करने के लिए कंप्लेंट्स का क्या प्रोसीजर है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि एचईसी की अटेस्टेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो एचईसी की वेबसाइट पे मौजूद है और उसमें पूरा प्रोसीजर भी है, उसमें जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो भी मौजूद है। इसके अलावा हमारी जो हेल्पलाइन की वो है उसमें भी एक नॉलेज बेस बना हुआ है, वहाँ से भी वो अपनी क्वेरी देख सकते हैं। लेकिन अगर सपोज फिर भी एक एप्लीकेंट को अपनी क्वेरी का जवाब नहीं मिल रहा वेबसाइट से भी और हेल्पलाइन के जो नॉलेज बेस है वहाँ से भी, तो हेल्पलाइन पे वो कॉल भी कर सकते हैं और हेल्पलाइन पे वो खुद भी वो क्वेरी रजिस्टर कर सकते हैं, उसका जवाब उसको मिल जाता है फिर। ठीक है, और सर अगर कोई कंप्लेंट्स हो तो उसको काउंटर करने का क्या प्रोसेस है? उसका भी इसी तरह है कि वो हेल्पलाइन पे उन्होंने या तो कॉल करनी है या खुद ही उन्होंने अगर इंटरनेट की उसके पास है फैसिलिटी तो वो खुद उसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है सर। सर सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है मिस साइमा इमरान ने, वो जानना चाहती हैं कि एचईसी ने अपनी अर्जेंट डिग्री फी क्यों चेंज की है, उसको रिवाइज किया है तो वो क्यों किया है? अर्जेंट फीस का ये है कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही बात कर लें, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर्स में अर्जेंट सर्विस जहाँ पे भी मिल रही है उसकी फीस ज़्यादा होती है, और वो एक मजबूरी नहीं होती कि हमने सब पे लागू किया हुआ है, नॉर्मल फीस जो है वो वही है जो पहले होती थी, लेकिन अर्जेंट उन लोगों के लिए कि जिसकी कोई मजबूरी होती है, यानी अर्जेंट बेसिस पे उसने या इमिग्रेशन का या वीज़ा का या स्कॉलरशिप का या कोई जॉब से रिलेटेड कोई मसला है और उसको चाहिए, तो उसके लिए ये फैसिलिटी है। और उसमें देखें कि उस बंदे को फिर विद इन 24 आवर्स जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्टेड मिल जाते हैं, ये एक सहूलत है। तो जिस तरह हर इदारे में होता है अर्जेंट सर्विस के लिए हमने उनको यानी अपने एप्लीकेंट्स को ये एक सहूलत दी है कि किसी को किसी की इमरजेंसी है तो वो इस तरीके से आ सकता है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है मिस सारा अशफाक ने, वो जानना चाहती हैं कि एचईसी अटेस्टेशन के लिए हम अपॉइंटमेंट किस तरह से स्केड्यूल कर सकते हैं अगर वो इन पर्सन आकर करवाना चाहें तो। जी जी, अच्छा जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है तो जो फिजिकल विजिट है एचईसी में वो तो बंद हुआ है, वो अभी नहीं हो रहा,
तो इस वजह से अपॉइंटमेंट अभी यानी अगर इस इन हालात में देखें वो पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ TCS के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में ज़ाहिर है कि हमने फिर इसको अल्लाह करे हालात जल्दी बेहतर हो जाएं तो इसको हमने खोलना है। तो अपॉइंटमेंट का यही है कि जब आप अप्लाई करते हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो एक स्टेप है उसको स्क्रूटनी बोलते हैं। तो इनिशियली एक हमारी जो टीम है वो उसको स्क्रूटनाइज कर देते हैं और फिर उसको जब स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाती है उसको एक ईमेल और मैसेज चला जाता है उस एप्लीकेंट को और उसमें फिर ये सारी इंफॉर्मेशन उसको अवेलेबल होती हैं कि अब ये बंदा अपॉइंटमेंट ले सकता है। वो होता ये है कि वो इस्लामाबाद में भी या हमारे जो चार रीजनल सेंटर्स हैं चार प्रोविंसेस प्रोविंशियल कैपिटल्स में तो जहाँ वो फिर लेना चाहता हो वो कर सकता है, लेकिन फिल वक्त ये जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल नहीं है COVID-19 की वजह से। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट हमसे जानना चाहती हैं फरीहा इकबाल कि व्हाई देयर वाज अ नीड टू रीवैम्प द अटेस्टेशन सिस्टम, व्हाई वाज इट नेसेसरी? हाँ, रीवैम्प का जिस तरह भी हमने जिक्र किया कि पहले कॉमन प्रोफाइल की वजह से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो हमें अटेस्टेशन के पर्पस के लिए रिक्वायर्ड नहीं थी। फॉर इसके अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका GPA, आपके ग्रेड्स या आपके क्लास डिग्री की क्लास डिवीजन ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि उसी हिसाब से फिर मेरिट बनता है। लेकिन अटेस्टेशन में इस तरह की कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना इसको अलग किया जाए। अटेस्टेशन के जो फीडबैक था जो ये 3.5 साल हमें मिलता रहा और उसके जो हमारी अपनी वो थी एक थिंकिंग इसके बारे में कि इस चीज़ को अलग करना चाहिए, इस वजह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया और रिवैम्प्ड वर्जन लॉन्च इसी वजह से किया कि एप्लीकेंट्स जो है वो आसानी से कम टाइम में बगैर किसी ज़्यादा यानी जो डेटा है वो फीड करने के वो आसानी से आगे बढ़ सके। ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है जावेद नासिर ने, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ टॉपिक बट ही वांट्स टू नो दैट हाउ कैन AGC फैसिलिटेट ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। अब ये जो स्कॉलरशिप हमारा डिवीजन है ये क्वेश्चन उनका बनता है तो इसके बारे में मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। अटेस्टेशन से रिलेटेड अगर कोई हो इसमें पॉइंट तो वो आप बता सकते हैं। अटेस्टेशन का तो ये है कि जाहिर जिस तरह आजकल भी ये कुछ स्कॉलरशिप्स उन्होंने यानी HEC ने वो की थी, एडवर्टाइज की थी, जिसमें जिसकी वजह से फिर होता ये है कि एप्लीकेंट्स को उसी वक्त याद आ जाता है कि अब हमने अटेस्टेशन करनी है। तो उस लिहाज से मैं इस प्रोग्राम की वसात से ये एप्लीकेंट से कहूँगा कि आपको जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं यूनिवर्सिटी से, डिग्री है या ट्रांसक्रिप्ट है, तो उसको आप पहली फुर्सत में अटेस्ट करवा लें ताकि इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अगर निकलती है जॉब की, स्कॉलरशिप की या कोई और, तो आपके पास वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी पड़े हों। और उस केस में पता है ये जो अभी आप पूछ रही थी कि अर्जेंट, तो अर्जेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। नॉर्मल के लिए भी आपको थोड़ा सा वेट नहीं करना पड़ेगा, ये जो चंद दिन लोगों को लगते हैं। तो इस वजह से ये एक रिक्वेस्ट भी है उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गए आप पहली फुर्सत में फौरन ही उसको अटेस्ट करवा लें HEC से, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम के लिए है। ये जो अटेस्टेशन है ये लाइफ टाइम के लिए है। बहुत सारी सर्विसेज हमारी गवर्नमेंट की ऐसी होती है कि उसको आप रिन्यू कराते हैं 5 साल 10 साल 2 साल जो भी है, लाइसेंसीज है, कार्ड्स हैं, पासपोर्ट है, इस तरह के, इसमें वो चीज़ नहीं है। ये लाइफ टाइम एक प्रोसेस है, उसे आप गुजरते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा ये चीज़ें अटेस्ट नहीं करनी पड़ती। ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शाजिया बतूल की तरफ से, शी वांट्स टू नो दैट व्हाई हैज AGC इंक्रीज्ड अटेस्टेशन प्रोसेसिंग फी। अच्छा, अटेस्टेशन की जो फीस है वो अभी भी मैं समझता हूँ बहुत रिजनेबल है अगर बाकी इदारों की उससे कंपेयर करें। और ये कोई 7 साल के बाद हमने इसको रिवाइज किया है, यानी 2012 में ये रिवाइज हुआ था, उसके बाद जाके हमने 2019 में इसको हमने रिवाइज किया और वो भी ज़्यादा नहीं, 200 रुपये बढ़ाए थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई हमने कोई बहुत सब्सटेंशियल एक इंक्रीज की है इसमें, फीस में काफ़ी रिजनेबल है अभी भी,
ये जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके लिए 1000 है और जो फोटोकॉपी है उसके लिए 700 है। ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ज़ारा जावेद ने पूछा है, वो एक तरह से क्वेश्चन कह रही हैं कि द स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स डू नॉट टेक प्लेस ट्रांसपेरेंटली एज पीपल हैविंग रेफरेंसेस गेट देयर स्क्रूटनी अर्जेंटली। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिस्टम के थ्रू आती हैं ये सारी चीज़ें और इसमें मैनुअली तो उस तरह कुछ है नहीं, और ना स्क्रूटनी पे कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रोसेस है कि लोग किसी को अप्रोच करेंगे कि ये मेरी जल्दी करवा ले, तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रैक्टिकली इस तरह कुछ हो स्क्रूटनी। कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, स्क्रूटनी ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव सबमिटेड व्हाइल अप्लाइंग फॉर अटेस्टेशन, तो उसी के बेस पे होती है, हर डॉक्यूमेंट देखते हैं। अगर हाँ उसमें यह है कि एक बंदे के डॉक्यूमेंट्स में कोई डेफिशिएंसी है या कोई वेरिएशन है या कोई और इस तरह की चीज़ है जो जिसकी वजह से अटेस्टेशन आगे नहीं बढ़ सकती, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोल सकते। वो ज़ाहिर है कि उस बंदे को खुद वो चीज़ कंप्लीट करानी चाहिए, जो भी है, जिस तरह नाम का फ़र्क है, टाइटल का मसला है, या कोई जहाँ पे कुछ NOCs इन्वॉल्व होते हैं हमारे प्रोग्राम्स की रिकग्निशन के, उस तरह की कोई फॉर्मेलिटी है तो वो तो पूरी करनी पड़ती है, या प्रोफेशनल डिग्री के केस में जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके एक्रेडिटेशन काउंसल्स हैं, PMC और PEC वगैरह, उनकी रजिस्ट्रेशन कभी कभार चाहिए अगर प्रोफेशनल डिग्री हो किसी के पास। तो उस सूरत में फिर यह है कि उस बंदे की ये चीज़ें कंप्लीट हो तभी होगी, अगर नहीं कंप्लीट नहीं होगी तो वो स्क्रूटनी पर रिजेक्ट ही होगी। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुबशर अवान से, वो उनका एक जर्नल है कि जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो हैं वो फिजिकली आकर अपनी अटेस्टेशन करवाने से ज़्यादा एफिशिएंट और क्विक हैं, लेकिन ATC का सिस्टम कंपेरेटिवली स्लोअर है। शायद उनका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है कि उन्होंने 23 दिसंबर से अप्लाई किया था और अभी तक उनको रिप्लाई नहीं मिला, अभी तक उनकी अटेस्टेशन होकर वापस नहीं आई, तो वो ये जानना चाहते हैं कि सिस्टम इस तरह से स्लो क्यों है। मैडम, जैसे पहले डायरेक्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया था कि पहले हम एवॉल्व एक एवोल्यूशन के प्रोसेस के तहत हमने टेक्नोलॉजी का जो है फ़ायदा लिया, और एप्लीकेंट की फैसिलिटेशन के लिए मैनुअल से हम कंप्यूटराइज पे गए, कंप्यूटराइज से हम अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन पे गए, और अब हम रीवैम्प वर्जन के साथ आए हैं जिस जो कि मोर सिंप्लीफाइड है, जिसमें कम इंफॉर्मेशन हम एप्लीकेंट से मांगते हैं ताकि वो ईजीली अप्लाई कर सकें। तो डेफिनेटली हम तो ये समझते हैं कि जो हमने ये जो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लिया, इससे डेफिनेटली एप्लीकेंट्स को फ़ायदा हुआ, हमें फीडबैक भी आते हैं, क्योंकि पहले एप्लीकेंट्स को फिज़िकली आना पड़ता था यहाँ पर, जैसे कि पहले डायरेक्टर साहब ने बताया था कि लिमिटेड सीट्स होती थी, वो जब टोकन कंप्लीट हो जाते थे तो एप्लीकेंट को वापस जाना पड़ता था और अगले दिन फिर वो आ जाते थे। तो टेक्नोलॉजी का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया, इसको सिंप्लीफाई भी किया और प्रोसेस भी अब जल्दी होता है। तो ये जो एप्लीकेंट का बात कर रहे हैं, तो कोई अगर इनका एप्लीकेशन ID वगैरह, कोई इनका रेफरेंस नंबर हमारे पास होता तो हम इस केस को देख सकते थे कि क्यों जो है इनकी ये जो कंप्लेंट आई है कि 23 दिसंबर से अभी तक इनका जो है इनको डॉक्यूमेंट वापस नहीं मिले, तो ये तो अब एप्लीकेशन ID वगैरह उनका कोई रेफरेंस नंबर होता तो फिर हम इसको एग्जामिन करके तो उनको बता सकते हैं, और हम उनको से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी भी उनका कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ है तो वो ऑनलाइन हेल्प पे या कॉल सेंटर पे बिल्कुल क्यूरी अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं, तो इंशाल्लाह विद इन 48 आवर्स हम उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है सर। एक स्टूडेंट्स का जनरल कंसर्न होता है कि अगर हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से टेस्ट होने भेज रहे हैं, व्हाट इफ दे गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, हम तो काफ़ी अरसे से ये TCS के साथ और जेरी फेडिक्स के साथ ये हमारा प्रोसेस हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमें कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं मिली कि जिसमें कि हम ये कहें कि जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसके जो हैं लॉस्ट हो गए। तो ये तो TCS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में भी उनके साथ जो है इसको किया हुआ है कि अगर वो लॉस्ट करेंगे तो उन पर पेनल्टी भी है, एज़ वेल एज़ वो जो है जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स हैं, रिवाइज डॉक्यूमेंट है, वो भी वो अरेंज करेंगे, और हम इसको काफ़ी मॉनिटर करते हैं, देखते रहते हैं, और टाइम टू टाइम हम मीटिंग भी करते हैं अपने कुरियर जो हमारी कंपनीज होती हैं उनके साथ कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से स्टूडेंट अर्न करते हैं लेते हैं, तो वो इसको इंश्योर करें कि वो सेफ़
और सेफली आए और सेफ ही वापस एप्लीकेंट को मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। क्वेरीज हमारी यही थी आज से रिलेटेड, हमने सोशल मीडिया क्वेरीज भी कंसर्न कवर कर ली हैं और जो जनरल क्वेरीज स्टूडेंट्स की तरफ से हमें मिली वो भी कवर कर ली। आप लोग इस सिस्टम के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहें तो द फ्लोर इज ओपन। तकरीबन जितने ये रिवैम्प्ड वर्जन या ये जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस था अटेस्टेशन का, उसके बारे में तो बहुत सारी बातें हुई। आखिर में ना जो एप्लीकेंट्स हैं उनसे चंद एक चीज़ें उसकी हम रिक्वेस्ट करेंगे, और वो ये है कि जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि HEC की वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, पूरा प्रोसीजर भी है, उसमें स्टेप वाइज लिखा हुआ है कि किस तरह आपने आगे बढ़ना है, क्या करना है, और इसके अलावा उसी के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं जो ज़रूरी है अपने अटेस्टेशन की प्रोसेस के लिए। एक तो यानी इंफॉर्मेशन वहाँ पे है HEC की वेबसाइट पे। इसके अलावा जब आपकी स्क्रूटनी हो जाती है तो उसको एक ईमेल चली जाती है जो बहुत डिटेल्ड होती हैं, उसमें क्या आपने आगे करना है, क्या चीज़ अटैच करनी है, क्या नहीं करनी। ये जो ईमेल्स हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये लाजमी जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए एडवाइस है वो देखा करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि उनका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, उसके जो केसेस हैं वो टाइमली अटेस्ट होंगे। अदरवाइज होगा क्या कि अगर चीज़ की कमी है, चीज़ पूरी नहीं है या उस तरह नहीं भेजा जिस तरह भेजना चाहिए था, तो वो केसेस रिजेक्ट होंगे और वापस जाएंगे उसके पास। ठीक है, तो इस वजह से जो ईमेल हैं उसके अंदर पूरी इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर जो हमारा फॉर्म है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि क्या क्या चीज़ें आपने इस फॉर्म के साथ सबमिट करनी है, और वो लाजमी होती है। इसी तरह कुरियर के केस में देखा जाए तो अक्सर औकात एक एप्लीकेंट है वो चला गया आउटलेट पे, उसने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फ़ी दे दी, जो फ़ी की रिसीट है वो उसको मिल गई। तो होता ये है, ये ईमेल में भी लिखा होता है, हर जगह इंफॉर्मेशन हमारी इसकी मौजूद है कि वो रिसीट घर आके वो अपलोड करे, अपने प्रोफाइल में जाके उसको अपलोड करे, क्योंकि जब तक वो अपलोड नहीं करेंगे उसकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं होगी। और ऐसे एप्लीकेशंस आती हैं कि जो रिसीट अपलोड नहीं हुई, बंदा समझता है मैंने तो डॉक्यूमेंट्स दे दिए, और वो जो रिसीट जब आप अपलोड नहीं करते तो रिजेक्ट हो जाते हैं केसेस। तो इस वजह से ये एक रिक्वेस्ट है एप्लीकेंट से कि वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ें और आगे बढ़े। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब आप एप्लीकेशन फिल करती, शुरू में एक क्वेश्चन आ रहा था जिसमें कोई 5-6 क्वेश्चंस हैं और वो आपसे पूछते हैं, और वो क्वेश्चंस हमने फीडबैक की बुनियाद पर ही रखे हैं। उसमें ये जो अभी आपने वेरिएशन का क्वेश्चन पूछा है ये भी मौजूद है। ज़रूरी होता है कि हर एप्लीकेंट उसको समझ के आगे बढ़ें, उसमें येस नो दोनों ऑप्शन होते हैं। तो अगर मेरे नाम में फ़र्क है CNIC के साथ, मैं अगर अपने डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स के आपस में डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट का या इस तरह, तो उसको अटेस्टेशन से पहले उसको ठीक करा लेना चाहिए और उसके बाद वो फिर अप्लाई करें। ठीक है, अच्छा, प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए आपने येस तो दबा दिया, लेकिन वो नुकसान आपका अपना है। कल को आपके जो 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 डॉक्यूमेंट्स है वो रिजेक्ट होकर वापस आएंगे, टाइम आपका ज़ाया होगा। तो काइंडली ये जो 5-6 क्वेश्चंस हैं उनको सोच समझ के येस या नो कर लिया करें, और उसके बाद जब सबमिट हो जाए, आपको स्क्रूटनी, आपकी स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाए, तो फिर वो जो ईमेल है उसमें इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें, उसमें देख लें। इस केस में यानी कि यहाँ पे HEC में जो बैठे हुए लोग हैं उनका भी टाइम ज़ाया नहीं होगा। उस देखे ना, एक केस देखना पड़ता है वो इनकम्प्लीट है या कम्प्लीट है, वो पूरा वो प्रोसेस से गुजरता है तो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी लोगों का जो टाइम है वो प्रोडक्टिव होगा और उस बंदे का भी टाइम बचेगा। और दूसरा ये है कि जिस तरह पहले जिक्र किया कि जब डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं यूनिवर्सिटी से, तो उसकी फौरी तौर पे आप अटेस्टेशन करवाएं। उसकी फिर यही होगा कि ना किसी को ना जो है ना ये अर्जेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना आप इमरजेंसी में होंगे कि ये मेरे डॉक्यूमेंट जो है ना वो मुझे जल्दी चाहिए। ये एक दो चीज़ें हैं। फैसल साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? काफ़ी डिटेल से डायरेक्टर साहब ने बता दिया। ऐड हम यही करेंगे कि जो हमने क्वेश्चनर उसमें हम 5 क्वेश्चन एप्लीकेंट से पूछते हैं जब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है, तो वो हमारे लेसन लर्न है कि क्यों लोगों के केसेस जो हैं यहाँ आने के बाद रिजेक्ट
होते थे उसको बेस बनाते हुए हमने वहाँ पर वो क्वेश्चन डाले हैं। इसी तरह जो हम ईमेल हम एप्लीकेंट्स को करते हैं डिफरेंट स्टेजेस पर, वो भी हमारे लेसन लर्न है, ताकि हम एप्लीकेंट को फैसिलिटेट करते हैं कि उस हम ये सब कुछ हमने इसलिए किया है कि एक एप्लीकेंट का अगर केस हमारे पास आ गया है तो वो रिजेक्ट ना हो, क्योंकि उसमें हमारा भी टाइम लगता है, हमारा भी रिसोर्स लगता है, उसको चेक भी किया जाता है, फिर उसको रिजेक्ट किया जाता है, फिर सिस्टम में भी हमें उसको कमेंट्स डालने हैं, तो केस वो सारा चेक होता है, और चेक होने के बाद रिजेक्ट हो जाए तो वो एप्लीकेंट का भी टाइम ज़ाया होता है, और फिर वो दोबारा जब हमारे पास केस आएगा तो फिर हमने उस पर वही जो प्रोसेस है दोबारा करना है। तो जो क्वेश्चन हैं हमारे, जैसे कि एक अमूमन जो है वो स्टूडेंट्स भी नहीं देखते कि बाद औकात जो है अरेजिंग होती है उनकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट पे, तो अगर डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट पे अरेजिंग है तो वो उस वक्त तक हम उसको प्रोसेस नहीं करते जब तक कि उसकी वेरीफाइड कॉपी हम यूनिवर्सिटी से ना ले लें। तो वो स्टूडेंट्स को भी जब हमारे पास आती है और हम उसको रिटर्न करते हैं कि इस पर इरेजिंग है, तो फिर वो स्टूडेंट उसको देखता है कि हाँ वाकई इस पर इरेजिंग है, क्योंकि वो पहले तो उसको नहीं पता होता कि, तो इसलिए जो क्वेश्चंस हमने अगर डाले हैं तो वो हमारे लेसन लर्न है, उनको देखते हुए वो लाजमी अपने डॉक्यूमेंट्स को उनको चेक करें, उसके मुताबिक चेक करें और फिर उसी तरह प्रोसीड करें। अगर हमने उधर क्वेश्चन डाला है कि प्लीज़ कंफर्म दैट देयर इज़ नो इरेजिंग ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, तो वो एक दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट्स को काउंटर चेक करें कि वाकई यहाँ पर कोई इरेजिंग मेरे यहाँ पर है तो नहीं, और फिर अगर वो नो करता है उसको तो साथ उसका सोल्यूशन भी हमने वहाँ पर पोस्ट किया हुआ है कि अगर जी वो उसको नो करेगा तो उसको आगे क्या लायमल इख्तियार करना पड़ेगा इसको करेक्ट करने के लिए। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि एप्लीकेंट का केस जो है वो एप्लीकेंट का भी टाइम बचेगा और उसका जो है, इसी तरह जो ईमेल हमने बड़ी डिटेल ईमेल उसको करते हैं, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कोरियर रिसीट उन्होंने अपलोड करनी है वो भी हम उनको बताते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजने हैं वो भी बताते हैं, नाम में अगर कोई वेरिएशन है वो भी हम उनको बताते हैं कि इसका क्या हल। तो इसलिए वो कंप्लीट जो हम उनको ईमेल्स के तहत जो हम उनको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जो हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो उसको लाजमी रीड आउट करें और फिर अपना केस सबमिट करें। एक चीज़ और है वो ये है कि रिवैम्प्ड वर्जन के साथ साथ अभी जो मोबाइल एप्लीकेशन है डिग्री अटेस्टेशन की, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो उससे ये होगा कि आजकल आपको भी पता है कि स्मार्टफोन्स बहुत आम हो गए, हर बंदे के पास है, लैपटॉप हो ना हो ये हर बंदे के पास है, तो वो अपने मोबाइल से भी अब अप्लाई कर सकते हैं डिग्री अटेस्टेशन के लिए। और इसके अलावा अटेस्टेशन के साथ साथ ये जो हमारी इक्विवेलेंस है डिफरेंट लोकल जो डिग्रीज़ हैं पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटीज़ अवार्ड करती हैं, या फॉरेन की डिग्रीज़ हैं, या दीनी असनाद है, तो दीनी असनाद का तो नहीं लेकिन फॉरेन और लोकल डिग्रीज़ के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होंगे उसमें, यानी घर बैठे आप अप्लाई करेंगे और कोई HEC में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी सेंटर पर, किसी भी ऑफिस में, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम निकाला और इस अहम इशू पर हमारी नाज़रीन को आगाह किया। हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर एक्रेडिटेशन एंड अटेस्टेशन HEC मिस्टर हदायतुल्ला खान एंड डिप्टी डायरेक्टर एक्रेडिटेशन एंड अटेस्टेशन HEC मिस्टर मोहम्मद फैसल इदरीस, और ये बात कर रहे थे डिग्री अटेस्टेशन के न्यू प्रोसेस पर, रीवैम्प्ड वर्जन पर। और इसके साथ साथ इन्होंने हमें यह भी बताया कि किस तरह से स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी फ्यूचर में बहुत जल्द लॉन्च की जा रही है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इजाजत दीजिए। टेन्योर ट्रैक सिस्टम 2003 में हमने बनाया था।